और ये बात साफ हो गई है कि क्रिकेटर अर्शदीप सिंह के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले सरहद पार पाकिस्तान से थे और इसमें आईएसआई की बड़ी भूमिका थी। बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान का खालिस्तान वाला एजेंडा चंद घंटों में ही एक्सपोज हो गया, उसकी खालिस्तान वाली टूलकिट का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया। एशिया कप के मैच में अर्शदीप के कैच छोड़ने से लेकर सोशल मीडिया में उनके खिलाफ कैंपेन तक, किस मिनट में किसने ट्वीट करके क्या लिखा, इसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। ये रिपोर्ट आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान कैसे भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी खतरनाक युद्ध की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अर्शदीप सिंह से कैच छूटा। एशिया कप में भारत का मैच जीतने का ख्वाब टूटा। और उधर पाकिस्तान में आईएसआई का ऑपरेशन बदनाम शुरू हो गया। यह है पाकिस्तान का पांचवी जनरेशन का युद्ध जो उसने भारत के खिलाफ तेज कर दिया है। पाकिस्तान युद्ध में हारता है, एलओसी पर मार खाता है, दुनिया भर में जलील होता है। उसकी फौज से लेकर उसके इंटेलिजेंस अब तक भारत के खिलाफ मार खाती रही है और यही वजह है कि अब पाकिस्तान ने सॉफ्ट टारगेट पर निशानेबाजी शुरू कर दी है। सबसे बड़े नामों में पाकिस्तान के पत्रकार वजाहत खान शामिल हैं, जो आईएसआई का करीबी भी है। उसने कैच छूटने के 3 मिनट बाद ही ट्वीट किया कि अर्शदीप पाका गया कि अब अर्शदीप को खालिस्तानी घोषित कर देना चाहिए। एक ट्वीट नसीम अकरम 100 नाम के हैंडल से किया गया कि क्या अर्शदीप खालिस्तानी का ट्रेंड चलाना है या नहीं। यानी जाहिर है कि आईएसआई की पूरी मशीनरी ने अर्शदीप की आड़ में एक समुदाय को बदनाम करने के साथ साथ भारत में तनाव फैलाने का काम शुरू कर दिया। इसको पाकिस्तान में संगठित तरीके से ताकत वहां की मीडिया से भी मिली। पाकिस्तान के न्यूज चैनल दुनिया न्यूज ने ट्वीट करके लिखा, आसिफ का कैच क्यों छोड़ा, भारतीय इंतहा पसंदों ने अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी करार दिया।